पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम में जुल्फिकार अली भुट्टो का क्या किरदार है, आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के एटम बम प्रोग्राम के बानी थे और उनकी इंतजामिया और उस प्रोग्राम की जारहाना क्यादत की वजह से उन्हें अक्सर फादर ऑफ न्यूक्लियर डिटेंस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। भुट्टो की एटमी टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी उसके कॉलेज के दौर में ही शुरू हुई थी। अमेरिका में जब भुट्टो ने पॉलिटिकल साइंस के एक कोर्स में शिरकत की, अमरीकी सियासत के पहले जौहरी तजर्बे तुसीस के आलमी सियासत पर सियासी असरात पर गुफ्तगू की। बर्कले में भुट्टो को अवामी खौफ व हरास का सामना करना पड़ा जब 1949 में सोवियत यूनियन ने पहला इस्मानी बिजली नामा पट्टा, जिससे अमरीकी हुकूमत को हाइड्रोजन बमों पर अपनी तहकीक का आगाज करने पर मजबूर किया गया। ताहम उससे बहुत पहले 1958 में वजीर बराए ईंधन बिजली और कौमी वसाइल की हैसियत से भुट्टो ने पाकिस्तान जौहरी तवानाई कमीशन PAEC के इंतजामी तहकीकी इदारों और इदारों के क्याम में कलीदी किरदार अदा किया था। खान ने 1958 में PAEC में और अब्दुल सलाम को 1960 में साइंस मुशीर के तौर पर मुकर्रर करने की अपील की। वजीर खारजा की हैसियत से पहले भुट्टो ने जौहरी हथियारों और उससे मुताल्लिक साइंस में कलीदी तहकीक के लिए फंड्स की हदायत की। 1963 में वजीर खारजा के तौर पर भुट्टो ने वियना का दौरा किया, जहां एटमी इंजीनियर मुनीर अहमद खान IAEA एक सीनियर तकनीकी पोस्ट पर काम कर रहे थे। मुनीर खान ने उन्हें हिंदुस्तानी जौहरी प्रोग्राम की हैसियत से आगाह किया और उन अख्तियारात से जो पाकिस्तान को अपनी जौहरी सलाहियत को तैयार करना था। दोनों ने भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को जौहरी आर्जा तैयार करने की जरूरत पर उत्तफाक किया, जबकि मुनीर खान अयूब खान को राजी करने में नाकाम हो गए थे। भुट्टो ने मुनीर खान से कहा था, फिक्र न करो, हमारी बारी आएगी। 1963 की जंग के फौरा बाद ही भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अगर हमें घास भी खानी पड़ी तो हम एटमी बम बना देंगे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब उसने देखा कि हिंदुस्तान बम की तरक्की की तरफ गामजन है, 1963 में भुट्टो ने सलाम के लिए लावन की और सलामी को IAEA पाकिस्तान के वफद का सरबरा मुकर्रर करने में कामयाबी हासिल की और सलाम को एटमी बिजली घरों के हिस्सूल के लिए लावी बनाने में मदद दी। नवंबर 1970 में भुट्टो ने सलाम से कहा कि वो जंग से बचने के लिए अमेरिका का सफर करें और उन्हें जौहरी हथियारों की तारीख के अहम लिटरेचर के साथ वापस आने का मशवरा दिया। दिसंबर 1970 के इख्तिताम हफ्ता तक सलाम भारी अटैचियों में मैनहट्टन परूजिकट पर लिटरेचर से लदी हुई पाकिस्तान वापस आ गया। 1974 में भुट्टो ने जौहरी मामलों पर अमेरिका और मगरबी दुनिया पर ज्यादा जारहाना और संगीन सिफारती हमला शुरू किया। दुनिया और मगरबी रहनुमाओं को लिखते हुए भुट्टो ने वाज और बरकरार रखा, पाकिस्तान को किसी और तरह के एटमी खतरा और ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ किया गया था। अगर दुनिया की बरादरी एटमी ब्लैक मेलिंग के खिलाफ पाकिस्तान और दीगर ममालिक को सियासी इंश्योरेंस फ्राहम करने में नाकाम रही तो ये ममालिक अपने एटमी बम प्रोग्राम शुरू करने की पाबिंद होंगे। खुद अक्वाम मतहदा की तरफ से फ्राहम करदा यकीन दहानी काफी नहीं थी। जुल्फिकार अली भुट्टो एटिंग ग्रास में लिखा हवा बयान, माख़ज़ 1971 की सर्दियों की जंग का सामना करने के तकरीबा 2 हफ्तों के बाद 20 जनवरी 1970 को भुट्टो ने मुल्तान में एटमी साइंस दानों और इंजीनियरों की एक कॉन्फ्रेंस रैली निकाली। मुल्तान की मीटिंग के दौरान साइंसदान हैरत में थे कि सदर जन्हों ने उन आजमाइशी आयाम में अपने हाथों पर बहुत कुछ रखा हवा था। वो जौहरी मैदान में साइंसदानों और इंजीनियरों पर इतनी तवज्जो
क्यों दे रहे थे। उस मुलाकात में भुट्टो ने आहिस्ता आहिस्ता हालिया जंग और मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में बात की। उस मुल्क की मौजूदगी की निशानदाही करते हुए वो एक इंतहाई जानलेवा खतरा था। भुट्टो ने उनसे पूछा, क्या आप मुझे दे सकते हो और बम बनाने में उसमें कितना वक्त लगेगा। बहुत से सीनियर साइंसदानों ने जंग का मुशाहदा किया था और वो जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर परेशान थे, लिहाजा सीनियर इल्मा साइंसदानों ने जवाब दिया, ओह हाँ हाँ आप ये कर सकते हैं। बम बनाने के वक्त की जरूरत पर एक जयूनत बहस थी और आखिरकार एक साइंसदान ने ये कहने की हिम्मत की कि शायद ये 5 साल में हो सकता है। वजीर आजम भुट्टो मुस्कुरा कर अपना हाथ उठाया और ड्रामाई अंदाज में 3 उंगलियों को आगे बढ़ाया और कहा, 3 साल, मैं ये 3 सालों में चाहता हूँ। माहौल अचंत बिजली बन गया। तभी जूनियर साइंसदान सदीक अहमद बट, एक नजरियाती तबीयत था जो मुनीर खान के रहनुमाई में था, उस फैक्शन हथियार को मुमकिन बनाने में हाथ एक अहम किरदार अदा करेगा, उसके पांव पर कूद पड़ा और अपने फायद की तवज्जो का मतालिबा किया। सदीक अहमद बट ने जवाब दिया, ये 3 सालों में हो सकता है। जब भुट्टो ने बट का जवाब सुना तो भुट्टो बहुत ही बहुत खुश हुए और कहा, ठीक है, न्यूसीएच जैसे ही मैं आपके जोश और जज्बे की तारीफ करता हूँ। ये एक इंतहाई संजीदा सियासी फैसला है जो पाकिस्तान को लाजमी तौर पर करना चाहिए और शायद तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक को एक दिन जरूर फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाला है। तो क्या आप लड़के ये काम कर सकते हैं? करीब करीब सारे सीनियर साइंसदानों ने एक लहजे में जवाब दिया, हाँ, वसाइल और सहूलियात के पेश नज़र हम ये कर सकते हैं। भुट्टो ने अजलास सिर्फ ये कहकर खत्म किया, मैं आपको वसाइल तलाश करूंगा और आपको सहूलियात तलाश करूंगा। 1970 की दहाई से पहले जौहरी इदम इस्तेकाम एक तवील अरसे से हुसैन शहीद सहरोर्दी की हुकूमत के तहत कायम किया गया था, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर परामन और शहरी ताकत की जरूरियात के लिए वक्फ था। भुट्टो ने अनिसांतर में अपनी किताब दी अफसाना आज़ादी में लिखा था कि अगर पाकिस्तान अपनी जौहरी तातुल पर पाबंदी आयद करता है या मुअत्तल करता है तो ये न सिर्फ भारत को अपनी जौहरी फायदा के साथ पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने में मदद फराहम करेगा, बल्कि पाकिस्तान की साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की पर एक माजूर हद लागू कर देगा। बहरान शुरू होने से पहले वक्त पर ऐसे हथियार हासिल करें। जुल्फिकार अली भुट्टो। वो 1974 में हिंदुस्तान के इतनी तजर्बे कोडन मुस्कराते हुए बुद्ध के बाद भुट्टो को होश आया और उस इम्तहान को पाकिस्तान की मौत की आखिरी उम्मीद के तौर पर देखा। हिंदुस्तान के जौहरी तजर्बे के फोरा शॉर्टले बाद मनफ्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुट्टो ने कहा, हिंदुस्तान का एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान को धमकाने और बर्रे सगीर में तसलत कायम करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के महदूद माली वसाइल के बावजूद भुट्टो एटमी तवानाई मंसूबे के बारे में इतने परजोश थे। अतलात के मुताबिक इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान घास खाएंगे लेकिन एटमी बम बनाएंगे। पाकिस्तान जौहरी तवानाई कमीशन की अस्कियत साजी का आगाज 20 जनवरी 1970 को किया गया था और इब्तदाई बरसों में उस पर अमल दरामद पाक फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिका खान ने किया था। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के ANUPPI का इफ्तिताह भुट्टो ने 1970 के आखिर में सदर पाकिस्तान के किरदार के दौरान किया था। एटमी हथियारों का प्रोग्राम 1940 की दहाई के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की बुनियाद पर भुट्टो के इंतजामी कंट्रोल में कायम किया गया था और सीनियर इल्मा साइंसदानों की भुट्टो तक बराह रास्त रिसाई थी, जिसने उन्हें तरक्की के हर एक इंच के बारे में आगाह किया। भुट्टो के साइंस मुशीर अब्दुल सलाम का दफ्तर भी भुट्टो के वजीर आजम सेक्रेटरेट में बैठा था।
भुट्टो की दरख्वास्त पर सलाम ने एटमी रोकथाम प्रोग्राम के आगाज की अलामत थियोरेटिकल फिजिक्स ग्रुप TPG की तश्कील और क्यादत की थी। TPG ने पूरे प्रोग्राम के साथ साथ जौहरी हथियारों को डिजाइन और तैयार क्या। बाद में मुनीर अहमद खान ने उन्हें प्रोग्राम की तरफी के बजट की जाती तौर पर मंजूरी दे दी। एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से भुट्टो ने लेफ्टिनेंट जनरल रहीम अल्दीन खान से कमीशन की सरबराही करने की कोशिश की, जिसे रहीम अल्दीन ने अनीस अख्तर में मस्तर्द कर दिया। उसके बजाय जनूरी अनीस अख्तर में भुट्टो ने पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के चेयरमैन के तौर पर एक अमरीकी तरबीत याफ्ता जौहरी इंजीनियर मुनीर खान का इंतखाब किया। PIC जैसे ही भुट्टो को एहसास हुआ कि वो एक ऐसा मुंतजम चाहते हैं जो उस तकनीकी तौर पर महत्वाकांक्षी प्रोग्राम की साइंसी और अक्तसादी जरूरियात को समझता हो, अनीस 65 के बाद से मुनीर खान ने भुट्टो के साथ इंतहाई करीबी और काबिल एतमाद ताल्लुकात इस्तवार किए थे, और उनकी मौत के बाद भी बेनजीर और मुर्तजा भुट्टो को उनके वालिद की तरफ से मुनीर खान के साथ राबते में रहने की हदायत की गई थी। अनीस 76 के मौसम बहार में कहोटा रिसर्च की सहूलत, जिसे उस वक्त इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज अल के नाम से जाना जाता है, कोडिन परुजिकट मुनफी 706 के एक हिस्से के तौर पर भुट्टो ने भी कायम किया था, और जौहरी साइंसदान अब्दुल कदीर खान और पाकिस्तान आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स लेफ्टिनेंट के मातहत लाया था जनरल जाहद अली अकबर, क्योंकि भुट्टो के मातहत पाकिस्तान न्यूक्लियर इदम फिलाओ मुआहदा NPT का दस्तखत कंदा या फ्रीफ नहीं था। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG, कमिस्टरेट एल एनर्जी एक्मिक CEA और ब्रिटिश न्यूक्लियर BNFL ने फोरा हार्ट ही मुआहदा किया था PAEC के साथ इंडन के दोबारा प्रोसेसिंग प्लांट मंसूबों को मनसूख कर दिया, और कैसर नियाजी के मुताबिक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अहदेदारों ने भुट्टो को गुमराह किया था, और उन्होंने फ्रांस से एटमी ईंधन के दोबारा प्रोसेसिंग प्लांट हासिल करने के लिए त्वेल सफर की कोशिश की थी। ये एकियो खान के मशूरे पर था कि दोबारा ईंधन का औजूद बाकी नहीं रहा, और उन्होंने भुट्टो पर जोर दिया कि वो यूरेनियम की तकवियत के हिस्सूल पर अमल करें। भुट्टो ने ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो अभी उस महंगे रास्ते में दिलचस्पी रखते हैं, और जब उसके सेंजर ने फ्रांसीसियों को उस मुआहदे को मनसूख करने पर राजी किया तो इसे फारिग कर दिया गया। भुट्टो ने प्रोग्राम को आसानी से तैयार करने के मुनीर अहमद खान के मंसूबों पर भरोसा किया था, और फ्रांसीसी रिप्रोसेसिंग प्लांट में उस तरह की दिलचस्पी जाहिर करने का असल मकसद PAEC के साइंसदानों को वक्त देना था ताकि वो खुद को दोबारा प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाने में महारत हासिल कर सकें। जब फ्रांस के CEA ने उस प्रोजेक्ट को मनसूख किया, PAEC ने प्लांट और मवाद के 95 तफसीली मंसूबों को हासिल कर लिया था। मुनीर अहमद खान और अशफाक अहमद का ख्याल था कि चूंकि PAEC ने ज्यादातर मफसल मंसूबे, काम मंसूबे और मवाद हासिल कर लिया है, लिहाजा PAEC उस 95 काम की बुनियाद पर प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग रिएक्टर खुद तैयार कर सकता है, लिहाजा पाकिस्तान को उस पर कायम रहना चाहिए। असल मंसूबा प्लूटोनियम रास्ता भुट्टो ने उससे उत्तफाक नहीं किया, लेकिन अब्दुल कदीर खान के तहत एक और मुतवाजी प्रोग्राम यानी यूरेनियम की अफजूदगी का प्रोग्राम कायम करने में फायदा उठाया। मुनीर खान और अहमद दोनों ने अब्दुल कदीर खान की मुश्तबा सरगर्मियों पर अपनी तश्वीश जाहिर की थी, लेकिन भुट्टो ने उस वक्त हमायत की जब भुट्टो ने उस बात की तायद की अब्दुल कदीर खान सोवियत और चीनी जो कुछ कर रहे हैं, सोवियत और चीनी अंग्रेजों और चीन ने किसी और कौम से कम नहीं किया। फ्रांसीसी हिंदुस्तानी और इसराइली दी माजी में जौहरी हथियारों के डिजाइन चोरी करते
थे और किसी ने उनसे पूछ कुछ नहीं की थी बल्कि खामोश रहते हैं। हम माजी में जो गैर कानूनी तौर पर चोरी करते थे वो चोरी नहीं कर रहे हैं। जौहरी हथियारों के डिजाइन का हवाला देते हुए, लेकिन हम एक छोटी सी मशीन ले रहे हैं जो एक बम बनाने के लिए नहीं बल्कि ईंधन के लिए यूजफुल मफेद है। उस वक्त बैन अलाफामी दबाव का मुकाबला करना मुश्किल था और भुट्टो ने मुनीर अहमद खान और अजीज अहमद की मदद से अमरीका के साथ मुतअद्दिद महाजों पर शदीद गर्मा गर्म तनकीद और सिफारती जंग से निमटा लिया। जबकि जौहरी हथियारों पर पेशरफ्त इंतहाई दर्जा बंद रही, उस दबाव के दौरान अजीज अहमद ने कंसोर्शियम सनतों को अमरीका को उन तक पहुँचने से पहले हसास इलेक्ट्रॉन कज़ा को फरवख्त और बरामद करने पर राजी करके एक अहम किरदार अदा किया और कंसोर्शियम सनतों को उस तरह के साजो सामान और अज़ा बरामद करने की कोशिश और रोकथाम किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्टा और मतहदा को नाकाम बना दिया गया। रियासतों की जानिब से उस प्रोग्राम में दरानदाजी की कोई कोशिश की जा रही है क्योंकि उसने ऑपरेशन सनराइज के तहत मुल्क में बहुत से अमरीकी सिफारती अहदीदारों को मुल्क बदर कर दिया था, जिसे ISI के तहत भुट्टो ने अख्तियार किया था। दूसरी तरफ भुट्टो ने अपनी सख्त हमायत को तेज किया और आंखें बिनते हुए अब्दुल कद्दीर खान की हमायत की। कहुता लेबार्टरियों को बेरोनी दुनिया से पोशीदा रखते हुए खामोशी से यूरिनको की असलाह ग्रेड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लाने के लिए भारत और सोवियत यूनियन जैसे इलाकाई हरीफों को 1970 की दहाई के दौरान पाकिस्तान के एटमी तवानाई मंसूबे के बारे में कोई बुनियादी जहानत नहीं थी। और जब ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पख्ता हवा तो भुट्टो की तेज कोशिशों का नतीजा अनिसार्तर में भरा पड़ा था। अफसाना आजादी में लिखे गए मकाले में भुट्टो ने इस्तदलाल किया कि एटमी हथियारों से पाक फौज की छावनियों, बख्तरबंद और पैदल फौज के कालमों और PAF के अड्डों और जौहरी और फौजी सनती सहूलियात के खिलाफ अपने एयरफोर्स के जंगी तैयारों को छोटे मैदान जंग के एटमी सामान इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, जब तक आम शहरियों की हिलाक को कम से कम रखा जा सकता है। हिंदुस्तानी फजाया आलमी बरादरी के किसी मुनफी रदमल का सामना नहीं करेगी, उस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान को शिक्स्त देगा, अपनी मुसलह फवाज को एक जलतामीज हथियार डालने पर मजबूर करेगा और पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के शुमाली इलाकों पर कब्जा कर लेगा। उसके बाद हिंदुस्तान नस्ली तकसीम की बुनियाद पर पाकिस्तान को छोटी छोटी रियासतों में शामिल करेगा और ये एक बार और पाकिस्तान मसले का खात्मा होगा। जब भुट्टो को माजूर किया गया था तब तक ये करेश प्रोग्राम तकनीकी तरक्की के साथ साथ साइंसी कोशिशों के लिहाज से मुकम्मल तौर पर पख्ता हो चुका था। अनिस स्तर तक PAEC और KRL ने अपने यूरेनियम की अफजूदगी और प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट्स बनाए थे और चावी पहाड़ियों में टेस्ट साइटों के लिए इंतखाब PAEC के जरिए किया गया था। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स दोनों तनजीमों के जरिए उनके कामों के बारे में पेश की गई। अनिस स्तर में PAEC के नजरियाती तबीयात ग्रुप ने पहले फीजन हथियार की डिजाइनिंग खत्म कर दी थी और KRL साइंसदानों ने यूरेनियम फिसाइल आइसोटोप्स को बर्फी मकनातीसी आइसोटोप अलीहदगी में कामयाबी हासिल की थी। उसके बावजूद हथियारों की तरक्की में अभी तक बहुत कम काम हुआ था और पाकिस्तान का एटमी हथियार दरहकीकत जनरल जियाल हक की फौजी हुकूमत के जरिया बहरिया के कई एडमिरल्स आर्मी और एयर फोर्स के जनरलों की निगाह में गुलाम इसहाक समीत तैयार किया गया था। खान अनीस तरास में भुट्टो का फैसला बादाजा सही साबित हुआ जब PAEC ने कैराना पहाड़ियों के नजदीक सिर्फ टेस्ट लिया था जो जाहिर है कि एकदम तौर पर प्लूटोनियम से बना था। हाल ही में प्रेस में यह प्रयास किया गया है कि डॉक्टर खान के यूरेनियम की अफजूदगी के डिजाइन चेनियों में यूरेनियम हेक्स फ्लोराइड ओईएफ के बदले और कुछ अली अफजूदा असलाह ग्रेड यूरेनियम के बदले इस्तेमाल किए
थे, उस हथियारों की ग्रिड पर यूरेनियम के तौर पर चीनियों को वापस की पेशकश की गई थी। पाकिस्तानियों ने खुद अपना सामान इस्तेमाल किया। सभी को भुट्टो जानते थे कि 1978 में जब पाकिस्तान उनके दोस्त मुनीर अहमद खान ने अपनी जेल खाना में उनसे मिलने के लिए एटमी हथियारों की रियासत बन चुकी थी, वहां मुनीर अहमद खान ने भुट्टो को बताया कि हथियारों की डिजाइनिंग का अमल खत्म हो चुका है और पीएईसी और डॉक्टर ने हथियारों से मुताल्लिक ईंधन की पेचीदा और मुश्किल अफजूदगी में एक सिंग मील हासिल कर लिया है। ईआरएल के अब्दुल कदीर खान भुट्टो ने फौरी एटमी तजर्बा करवाने का मतालबा किया। जनरल जिया या उनकी हुकूमत के किसी मंबर की तरफ से कोई रदमल जारी नहीं किया गया। हम पाकिस्तान जान लो के इसराइल और जुनूबी अफ्रीका पूरी एटमी सलाहियत रखते हैं। एक ईसाई यहूदी और हिंदू तहजीब के पास ये जोहरी सलाहियत है, इस्लामी तहजीब उसके बगैर है, लेकिन सूरत हाल अब तब्दील होने वाली है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने जेल खाना 1978 में टेस्ट लेने का मतालबा किया।